तो अली भाई डाल रहे हैं भाई अपने कबूतरों को दाना वगैरह रोटी डाल रहे हैं। डक्स भी हमारी यहाँ घूम रही हैं और शाम का टाइम है तो आपको पता है मैं शाम के टाइम छत पे आता हूँ। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बादल कुछ इस तरीके के हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, के हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत होंगे। सबसे पहले तो यार इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी यार मैं ना अपनी मुर्गियों को ना डक्स को सॉरी पीछे वाले केज में ना बंद करने जा रहा था क्योंकि वो ना करते हैं इनको डिस्टर्ब। तो जब मैं वहाँ पे उनको देखने गया तो अचानक मेरी नज़र पड़ी एक अंडे के ऊपर और आज हमारी मुर्गी ने भी अंडा दिया है और आज ही मुझे ये अंडा वहाँ से पड़ा हुआ मिला है। थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है, थोड़ा सा काला सा है और ये मुझे पड़ा हुआ मिला है वहाँ पे। और अब हमें शक पड़ रहा है कि ये मुझे लगता है कि डक ने पहला अंडा दिया है, लेकिन दूसरी बात ये है कि यार ये अंडा गंदा भी हुआ हुआ है जिसकी वजह से हमें ये शक भी पड़ रहा है कि भाई हो सकता है पुराना अंडा हो। लेकिन जब भी मैं इनको बंद करने जाता था ना रोज़ ही मैं देखता था उस केज में, हो सकता है कि डक अंडे देना शुरू हो गई हो, लेकिन अंडा कोई नहीं था। कल भी नहीं था कोई अंडा, आज हमारी मुर्गी ने दिया। मुर्गी तो एक दिन में यार दो अंडे नहीं दे सकती। और इस अंडे का रंग भी चेंज है, आपने देखा होगा कि आम मुर्गी का अंडा काफ़ी बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा होता है, लेकिन इसका जो है ना ब्लैक ब्लैक तरीके का है, ये थोड़ी सी गंद लगा हुआ यहाँ पे ब्लैक टाइप का है। तो हमें शक पड़ रहा है कि भाई डक ने ही जो है ना अंडा दिया है क्योंकि डक हमारी बिल्कुल तैयार है। मेल का हमें था कि अभी वो थोड़ा मतलब अभी अडल्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर अब हम क्या करने लगे यार मजबूरी में इस अंडे को हमने तोड़ना है। और अगर तो ये अंडा अंदर से अंडा जो है वो गैस भी आ गया। किधर थे भाई एकेडमी? हाँ ये भाई एकेडमी सीधा ऊपर भागता भागता है। बड़े दिन बाद आए हो गया साहब छत पे है ना? वो कह रहे कल आज छुट्टी कर लेंगे। अच्छा जी गैस मुझे लगता है हमारी बत्तख ने ना अंडे देना शुरू कर दिया। ये रहा अंडा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा। तो भाई अगर ये अंडा सही निकला है तो इसका मतलब कि ये कंफर्म डक का अंडा है क्योंकि एक मुर्गी दिन में दो अंडे नहीं दे सकती, ना कभी इसने दिए। और अगर तो निकल आया हाँ आज मुर्गी ने इसके अंदर अंडा दिया यहाँ पे। हाँ वो मैं हम नीचे ले गए थे गैस, इस दफ़ा गैस इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे, छोटे छोटे चूजे आएंगे हमारे पास। और आप आपको बताएं एक खुशखबरी है और एक ना खुशखबरी है क्योंकि रैबिट का वो मर चुका है। भाई हमने बताया गैस को, हमने बताया था तो क्योंकि गैस आ नहीं रहा था काफ़ी दिन से, हमने बताया था कि भाई हमारा मेल रैबिट मर चुका है। तो चलें अभी इसको अंडे को तोड़ते हैं। अगर तो अंडा ठीक निकल आया तो इसका मतलब डक का अंडा है, अगर तो अंडा निकल आया खराब तो ये उस दिन की नज़र पड़ सकती थी। इतने दिन रोजाना शाम में बंद करते। हाँ यार मैं रोज़ देखने जाता था वहाँ पे, हो सकता अंडा दियो लेकिन अंडा नहीं होता था। आज ही नज़र आया। हाँ तो चलें फिर इस अंडे को तोड़ते हैं यहाँ कहीं पे। हाँ जब रात के टाइम आप कह रहे थे कि भाई शोर भी मचा रही है, सुबह देखा था जब खोला था। नहीं मैं उस साइड पे नहीं जाता, मैं चलें फिर इस अंडे को तोड़ते हैं भाई यहाँ कहीं पे और इसमें देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। यार अल्लाह करके दोस्तों हम यही दुआ कर रहे हैं कि भाई ये अंडा हो डक का, अगर तो ये डक का अंडा फर्टाइल हो और फर्टाइल हो तो अगर ये डक का अंडा हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई मुर्गी के नीचे रखवा के। यार ये मैं कल से देख रहा हूँ अभी कबूतर उड़ रहा है यार, पता नहीं किसी का। शाम के टाइम ही मैंने आपको कहा था ना कबूतर उड़ रहा है, कि कल से रुलता फिर रहा है यार, पता नहीं किसका है। खैर अगर ये अंडे फर्टाइल हुए मुर्गी के नीचे रख सकते हैं और फिर चूजे निकलवा सकते हैं। तो खैर इस अंडे को तोड़ते हैं यार, तो यार शापर के अंदर अंडे को तोड़ते हैं। अगर गंदा अंडा हुआ ना तो शापर भी स्मेल बहुत गंदी आनी फिर। हाँ शापर अगर सही हुआ तो फिर फ्राई करके ना नाश्ते में इधर ही करके रख लो। चलो नीचे रख अल्लाह करके तोड़ ना देना पकड़ो। यार देखने से तो गंदा अंडा लग रहा है कि पता नहीं कितना पुराना अंडा है ये यार, लेकिन मैं रात के टाइम देखता था कोई अंडा पड़ा नहीं होता था यार। हो सकता है कि मिट्टी वगैरह के नीचे दबा हुआ हो। नहीं मिट्टी क्या क्या हो कोई चीज इसके अंदर रख के तोड़ना है। हाँ कोई अंडा वजन ही लग रहा, बच्चा तो नहीं बना वाल में हो? नहीं भाई बच्चा वैसे आम अंडे से काफी भारी लग रहा है। तोड़ भी दो लाइट से देखते लाइट से लाइट से। नहीं नहीं वो गंदा अंडा हुआ, कैमरा गंदा हो जाएगा हमारा, फट ना जाए। क्या अंडा अंडा फटका है कभी? जब गंदा अंडा होता है ना फट जाता है। हाँ वो एकदम चीटें आती है ना फिर। लो हर चीज़ गंदी हुई है यार, ये स्टिक पड़ी है यूँ मारो इसको आराम से। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। चलो चलो अंडा गंदा है लग रहा। गंदा सही, काफ़ी मजबूत अंडा है गंदा सही है ना। तोड़ तोड़ के मार दो। और अंडा ठीक है यार, एक मिनट भाई तोड़ तो लो, निकला क्या उसमें? अंडा ठीक है भैया, अंडा ठीक है तोड़ तो लो। हाँ यार इधर छोड़ो 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 छोड़ो
नहीं ना छोड़ दो, ये निकल गया। अंडा बत्तख का है भाई साहब। एक मिनट, इसमें कहते हैं बत्तख की अंडे में दो सर्दियाँ होती, देखना। हाँ पता है, सुना है मैंने। खोल के देखो। मैंने भी सुना है कि भाई इसके अंडे में ना दो जर्दी होती है। जर्दी तो है कि अंडा ठीक है भाई साहब? अंडा सही था, अंडा ठीक है यार। मुबारक है दोस्तों आप सबको यार, हमारे डक ने अंडे देना शुरू कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे साबित होता है कि ये पुराना अंडा नहीं है, ये ताजा। अच्छा, या तो इसका अंडे का कलर इस तरह का होगा बत्तख का, ये थोड़ा सा इसमें गंद भी लगा हुआ। कल जब फ्रेश अंडा देगी ना अभी, उसी टाइम उठाना है अपने। सुबह आके भी देखना कोई अंडा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। सही हो गया। हाँ, अब बत्तख का तो नहीं पता कि रोजाना देती है या एक दिन छोड़ के देती है। मुर्गी हो, मुझे लगता है रोज देगी। यार उनको पानी डाल दो, पानी पीना है। अंडा ठीक है तो मुर्गी को ना खिला दे। नहीं नहीं, मुर्गी को अगर खिला दिया ना फिर वो अपने अंडे खाना शुरू कर देगी। इसको क्या, इसको बस इतना फेंक दो। नहीं नहीं, वो भी अपने खाना शुरू कर देगा, फेंक दो उसको। यार एक अंडे की कुर्बानी दे दी, लेकिन हमें इससे पता चल गया कंफर्म हो गया अंडा डक का है यार। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये देखिए भाई। तो चले यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यार। अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा हो गया। फर्स्ट टाइम डक ने अंडा दे दिया यार, क्योंकि हमने ये बचपन से पाला था ये मेल। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि ये, लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल। फर्टाइल होगा यार। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये इस तरह बगैर उसके अंडे देती हैं, ये भी कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, वो तो मुर्गी होती है भाई। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यार कि हमारी डक ने अंडा दे दिया। बाकी अगर तो ये, क्योंकि यार मुर्गी ना दिन में अभी दो अंडे नहीं दे सकती, ठीक है। और मुर्गी ने और दिया मुर्गी पीछे जाती नहीं, वो टांगे के नीचे बैठ। हाँ, इसने अंडा भी वही पहला इसके अंदर दिया था, और डक हमारी पीछे ही रहती हैं। रात के टाइम ही शोर मचा रही थी, लग रहा ऐसे था कि भाई अंडा हो, हमें माइंड में नहीं था कि अंडा देगी। अब आके पता लगा भाई इसका इसी का अंडा था। वो अंडे का रंग इस तरीके से था कि हमें लग रहा था अंडा ख़राब है। चलो भाई, हाँ इनका यार पानी डालते हैं। हमारे तोते छोते जो दोस्तों इनको डाली थी ना नेस्टिंग मटेरियल, इन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है ठीक कर दिए। फिंचिस भी ठीक है, सब परिंदे ठीक है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से, ये भी ठीक है भाई। हमारी मुर्गी गंदा पानी पी रही है, इसको हटाते हैं। ये गंदा यार, हमारी मुर्गी गंदा पानी करते हैं, सॉरी डक्स हमारी गंदा पानी करती हैं। क्या करती हैं, कुछ भी खा के करते रहते हैं पानी के अंदर, और फिर पानी सारा ये देखेंगे। ये पानी भी गंदा हुआ हुआ यार। अलविदा रहो यार, ये पानी इनको डालो। ये डक्स ना अंदर पानी के गंदी होती है, तो इसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। मतलब एक किस्म का गरारे कर रही होती है, मुझे लगता है अपना वो मुंह साफ कर रही होती हैं। आप लोग करते हैं नहीं करते ये भी बताइएगा। तो अभी मैंने यहाँ दाना डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबूतर खा के अंदर जा चुके हैं। और बस आप लोगों ने ये भी दुआ करनी है यार, जो हम अपने लवबर्ड लेके आए ना, जल्दी से ब्रीड कर दें। अभी यार तुम तो कह रहे थे कि भाई अंडे देने वाले हैं, लवबर्ड का सीज़न चल रहा है भाई, ये भी लाए हैं एकदम थोड़ी देर। तो चले यार दोस्तों, फिर मगरिब भी हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो, बाकी कन्फर्म तब होगा, कल को होगा, अगर कल या परसों को हो जाएगा मुकम्मल कन्फर्म कि भाई अंडा इसी का ही है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।